भारतीय किसान यूनियन दे सीनियर आगू राकेश टकैत अज गुरद्वारा सिंह शहीदां सोहाणा विखे पहुँचे, जिथे कि शहीद आजम भगत सिंह दे भतीजे अभय संधु दी अंतिम अरदास विच शामिल होए अते पत्रकारां नाल गलबात कीती। खेती कानून रद्द करने के अलावा कोई बात करना चाहते हैं किसान? ना ना कोई नहीं बात करना चाहते हम, खेती कानून रद्द से अलग नहीं कोई बात करना चाहते। एक आध साल तो नहीं करना चाहते, एक दो साल में देख लेंगे, फिर अगर कुछ बात होगी तो एक दो साल के बाद देख लेंगे। टका जी, कोरोना महामारी है, सारी दुनिया भर में चल रही है ना, ऐसा नहीं लगता भी सरकार को मौका मिल गया भी कोरोना में शहर है जहाँ से भाग जाए और हमारा काम चल जाए? ऐसे सरकार तो यही चाह रही, 13 तरह के एलिगेशन सरकार ने लगाए किसान जत्थेबंदी में, ये 13वां एलिगेशन है, ये भी चल जाएगा, 4 दिन चल जाएगा खबरों में। बीमारी का इलाज हॉस्पिटल है और किसान आंदोलन का इलाज पार्लियामेंट है, दोनों के रास्ते अलग अलग जाते हैं। कोई अगर बीमार होगा तो वो हॉस्पिटल जाएगा और किसान पार्लियामेंट जाएगा, तो दोनों के रास्ते, उनके तो रास्ते भी एक नहीं है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। कोरोना आपके आंदोलन के आगे द्वार नहीं बन गई, जो 4 महीने पहले था आंदोलन वहीं खड़ा रहेगा। ये तो जब देश की आज़ादी हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चला, अभी तो 6 महीने तो इस आंदोलन को, ये उससे पहले 30 साल पहले चला है, तो अभी तो 30-31 साल तो है, 90 साल तो अभी हुए थे। ब्लैक डे मनाने का भी फैसला लिया है? हाँ, ब्लैक डे मनाएंगे भाई, सरकार के 7 साल हो जाएंगे और किसान आंदोलन के 6 महीने हो जाएंगे, तो 26 तारीख को तो ब्लैक डे तो मनेगा। 26 तारीख को अपने घर पे काला झंडा लगाएंगे, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे, हम तो काला कपड़ा पहनेंगे भाई, किसी को ये इतराज थोड़ा है। काला कपड़ा अगर देश में बन रहा है और मिल रहा है तो पहनेंगे उसको। यूपी में सरकार तैयारी कर रही है चुनाव? हाँ, करवा देंगे तैयारी चुनाव, जैसे जिला पंचायत में करवाई ऐसे आगे विधानसभा। पंजाब और हरियाणा में टोल प्लाजा खुले हैं, किसान का आंदोलन है, टोल प्लाजा नहीं लगता है? नहीं लगता। यूपी में क्यों खुला है? नहीं, वहाँ पे भी नहीं लगता। आप किसानी झंडा लगा के जाओ, वहाँ पे भी नहीं लगता। नहीं, आम लोगों को भी लगता है ना, पंजाब हरियाणा में बिल्कुल खुला है। अगर किसान का नाम लेगा कोई भी, झंडा लगाएगा, स्टिकर लगा होगा, तो उसमें भी लगता। यूपी में कब जा रहे हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में गए थे, कैसे चले जाएंगे? जैसे कोरोना ये हो जाएगा, सरकार की गाइडलाइंस आ जाएगी, सरकार मीटिंग शुरू करेगी, हम भी मीटिंग शुरू करेंगे। टिकैत जी, जो पंचायत इलेक्शन तो आप ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का ही नतीजा, वो क्या नतीजा है? लेकिन एक बात देख रहे ना, उनकी 600 सीटें आई हैं, 3050 में से जिला पंचायत की 600 सीटें आई है, और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बनेंगे, क्योंकि अब पैसा, डंडा, मुकदमे, पर्चे, ये सब चलेगा, अध्यक्ष उनके बनेंगे। पश्चिमी बंगाल में जो हार हुई है भाजपा की, उसमें किसान आंदोलन का कितना का रोल है? बड़ा रोल है, बड़ा रोल। संयुक्त मोर्चे के बहुत लीडर वहाँ पर गए और उन्होंने यही अपील करी कि जो धान है इसकी जो MSP है, भारत सरकार के मंत्री यहाँ पा रहे, उससे इसकी MSP मांगो। वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे वहाँ से, हमने कहा कि एक मुट्ठी चावल नहीं मांग रहे, एक मुट्ठी चावल से आपकी भावनाएं, भावनाओं के बाद में आपकी वोट मांग रहे हैं, आप इससे इस चावल की MSP मांगो। वो हमने उनको बताया, ये उत्तर प्रदेश में बताएंगे, जैसे ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये बताएंगे कि गन्ने का 18,000 करोड़ रुपये बकाया है, धान और कनक की खरीद नहीं होती। ऐसे कर आप मोदी जी को नाराज नहीं कर रहे? वो फिर मांगे कैसे? अच्छा, जिससे लड़ाई हो जा करे और उससे खुश कर रख रहे, बाजा बजा कर उसका के लड़ाई में क्या प्रसादा बटता है लड़ाई में? भाई लड़ाई में कोई वो तो है नहीं कि कड़ा प्रसादा बटता हो, लड़ाई में वो बटता दे क्या हो, तो भाई वो बताओ। ऐसा बहुत सारिया गल्ला हुई जिन्हें कई धब्बे भी लगे किसानी मोर्चे के उपर, जिन्हें एक दीप सिद्धू से, दीप सिद्धू हूँ बाहर आ गया, वो कह रहे हैं जी मैं फिर तो किसानों की आवाज़ बन करता से हूँ की विचार है और आ जाएगा। पहले तो संयुक्त मोर्चे ने बोला था ये गदार है, हम अपने आंदोलन में नहीं ले, अपनी तरफ से गया और फिर चले जाकर फिर आ जाएगा यहाँ का कोई ये कहीं और बैठ कर करवा आंदोलन, उनको सबको लाल किले पे बहका कर लेते। कोई ऐसा है कि हम बहुत बार कहते हैं कि हर बार पिछले 30 साल से कि हम पार्लियामेंट पर जाएंगे, किसी ने पार्लियामेंट पर जाने दिए? किसी आदमी ने
शाम को 25 तारीख को 9 बजे 7 बजे ये घोषणा करी कि मैं सुबह ही लाल किले पे ध्वज फैलाऊंगा। और वो सुबह 9 बजे लाल किले की चोटी पर बैठा झंडा लगाने लग रहा है, एक धार्मिक झंडा, एक किसी ने धार्मिक झंडा लगा दिया। धार्मिक झंडा लगाने की क्या देश में धाराएं हैं, वो लगा दो आप। उसने कोई तिरंगा का कोई वहां पर अपमान नहीं, बड़ा जुर्म नहीं है। तिरंगे तिरंगे तो वहां पर 4 लाख तिरंगे 26 तारीख में देश का किसान लेकर गया दिल्ली की सड़कों पर, उसको तो कुछ वर्षा होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, लेकिन वो नहीं गया। एक साजिश थी पूर्ण रूप से, उनका पर्दाफाश हो गया। लाल किला कोई ऐसा थोड़ा कि लाल किले पर झंडा लगाया था और देश पलट गया, वो हो गया। लाल किला तो उसकी इनकी प्रॉपर्टी है भी नहीं सरकार की, डालमिया की है, वो तो डालमिया का तो मुकदमा करवा दे, वो तो डालमिया का है, लाल किला भी इनका कहाँ है। देश से तो बेकसूर है, अरे सारे बेकसूर हैं, और कसूर क्या कर दिया, क्या को कसूर कर दिया। अगर कोई वहाँ पे लाल किले पर चलेगा, लाल किले पर तो 93 में टिकट साहब भी गए थे, तो मुकदमे होने चाहिए, वो जितने गए थे, हम तो 93 में गए थे लाल किले पर, पंचायत उसके फोटो भी है दिखा देंगे आपको। हरियाणा का मुख्यमंत्री और पंजाब के कुछ मंत्री कह रहे हैं भी जो किसान मोर्चा चल रहा है उत्थे करोना फैल रहा, वो हरियाणा बीजेपी के मंत्री जिनकी डेथ हो रही है, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, पूरे देश में लोग मारे जा रहे हैं, वे तो वहाँ मोर्चे पर गए नहीं, ना उनका कहीं टेंट लगे हमने देखा। और सरकार जो हरियाणा की सरकार है वो तो वो कहेगी जो भारत सरकार कहेगी, और हरियाणा की सरकार किसान संगठन की या संयुक्त मोर्चे की एडवाइजरी बॉडी की मेंबर नहीं है, वो तो सरकार का काम करेगी अपना जो उनका कहने का है। कोई उद्गम स्थान नहीं है कि वहाँ से जहाँ आंदोलन हो रहे हैं वहाँ से कोरोना फैल रहा है। कोरोना एक बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए, हमको हॉस्पिटल पर काम करना चाहिए, सरकार सैनिटाइजर पर काम करना चाहिए, उसकी मेडिसिन पर काम करना चाहिए। ये किसान आंदोलन जब तक सरकार बात नहीं करेगी, बिल वापसी नहीं होंगे, जो कानून वापसी नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं बने, जो हमारे मसले हैं जब तक उनका समाधान नहीं होगा, ये किसान मोर्चा वहाँ से हटेगा नहीं। ये शाहीन बाग के आंदोलन नहीं है कि इसको आप हटा दोगे, वहाँ से नहीं हटेगा। कहा जा रहा है कि किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगवाओ, लगवा देंगे, लगवा देंगे, वैक्सीनेशन में क्या दिक्कत है, और किसने मैंने कह रहा है वैक्सीनेशन वाले हैं कहाँ से, हम उन्हें पिछले एक महीने से कह रहे हैं, वहाँ तो कहीं है नहीं, पूरा देश चिल्ला रहा वैक्सीनेशन की लाइन में लगे जब लट्ठी लगे, ऑक्सीजन की लाइन में लगे जब लट्ठी लगे, मुराद घाट की लाइन पर लगे जब लट्ठी लगे, तो सब जगह लाइन तो है। वैक्सीनेशन वालों को भेज दो भाई, कहीं हो तो मिला आपको तो वहाँ भेज जरूर जरूर। पार्लियामेंट वाले का पूछ करो, पार्लियामेंट में क्या करे, पार्लियामेंट ही तो है दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली की दीवार के पास में बैठे, पहले ऐलान किया था ना, पोस्ट ऐलान करा फिर से जाएंगे ऐलान तो, या 26 तारीख हर महीने आवे, और वे ट्रैक्टर भी हिंदुस्तान के हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आने, वे ट्रैक्टर भी वही है, और 26 तारीख भी हर महीने आवे। ये सरकार ध्यान रखना, कान खोल कर सुन लो, 26 तारीख के कोई मेहताज नहीं है, किसी भी 26 तारीख को ऐलान हो सकता है, 26 तारीख हर महीने है। ठीक है, थैंक यू।